भारत चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद पर रिटायर्ड जनरल जीडी बख्शी का बड़ा बयान सामने आया। जीडी बख्शी ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि भारत चीन के बीच हथियार न चलाने की संधि पर पुनर्विचार हो। धक्का मुक्की दोस्तों के साथ होती है, दुश्मनों के साथ नहीं। उन्होंने सरकार से अनुरोध किया कि चीन हमला करता है तो सेना के हाथ खोल दिए जाएं। चीन में जब भी हालात बिगड़ते हैं वो तो चीनी सरकार मुद्दों से भटकाने के लिए दूसरे देश की जमीन पर कब्जे जैसी रणनीति पर काम करने लगती है। जबलपुर में आयोजित एक प्रोग्राम में शामिल होने आए जीडी बख्शी ने बिना नाम लिए राहुल गांधी को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि बिना हकीकत जाने सेना के लिए पिटने जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सेना का शौर्य देखने कभी वो सरहद पर नहीं गए, लेकिन टिप्पणी करने के लिए नहीं मानते। मेरा तो अब सरकार से अनुरोध है कि साहब अगली बार वो ऐसा करते हैं तो हमारे हाथ हमारी फौज के पूरे खोल दिए जाने चाहिए। जो 1993 की ट्रीटी है हमको बिल्कुल वार्निंग दे देनी चाहिए चीन को कि साहब अब आपको ये बचा नहीं पाएगी। किकबॉक्सिंग वगैरह तो दोस्तों से किया जाता है, जब दुश्मन है तो फिर हथियार किस लिए? ये कोई हमारी लाठी फौज नहीं है। ऐसी जो अपशब्द का इस्तेमाल करे कि भारत की फौज पिटी, तो ऐसे लोगों के मतलब वक्तव्य जो है वो अनफॉर्चुनेट है।